नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत साहू और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज मैं स्टैमरिंग के लिए 3-4 चीज़ें आपको बोलने आया हूँ। आज ये बातें आप अगर फॉलो करते हो तो आपकी जो स्टैमरिंग बाहर लोगों के सामने होती है वो बिल्कुल ओवरकम हो सकती है। पहली बात तो ये है कि अगर आपको महसूस हो कि आप कोई वर्ड पे अटकने वाले हो तो उस टाइम आपने अपने स्पीड को कंट्रोल करना पड़ेगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आप लोगों के सामने बात करना स्टार्ट करते हो तो पहले की तौर पे स्पीड को कंट्रोल करिए। लोगों के सामने बोलते टाइम अपने स्पीड को हाई और लो लेवल के हिसाब से आप करते रहिए। इससे आपको ये होगा कि आपकी स्पीड कंट्रोल होने से आप लोगों के सामने बड़ी आसानी से कुछ भी बात कर पाओगे। इसके बाद मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी वर्ड बोलते टाइम बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाते हो तो उस टाइम लोगों के सामने तो ये नहीं कर पाओगे, बट जब आप अपने किसी अकेले जगह में बैठे हो तो आपने एक एक्सरसाइज हर टाइम करनी है जब आपको ये वर्ड्स में ब्लॉकेज आए। मुझे एलिफेंट बोलने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। एलिफेंट हो गया, एक है पोविर हो गया, एक हो गया मम्मी हो गया, ये सब मैं नहीं बोल पाता था। जैसे कि एलिफेंट बोलने में मेरा एलिफेंट ही नहीं मैं बोल पाता था तो मैं ऐसे बोलता था एलिफेंट। मतलब पता क्या है, वो हमारे जो जीभ का ताल होता है ना वो ऊपर की ओर साथ जॉइंट हो जाता है तो हम एलिफेंट इसीलिए नहीं बोल, तो एलिफेंट हमने ऐसे बोलना है एलिफेंट एलिफेंट एलिफेंट। पहले जो वर्ड्स को ना थोड़ा सा खींच के उसके बाद वो वर्ड्स को बोलना है। तो अगर इसके बाद अगर आपने लोगों के सामने बात करनी है, जैसे कि हेलो दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत साहू है, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मुझको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम, मतलब आपने कुछ भी देखना है कि आपने ना बीच में थोड़ा सा कोई भी वर्ड को लेके ना उसको हाउंड के तौर पर करना है, ठीक है। ये था थर्ड टिप, ठीक है। चौथे टिप में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने आई टू आई कॉन्टैक्ट होके लोगों के सामने बात करना है। आई टू आई कॉन्टैक्ट होने के लिए सबसे पहले तो आपको शीशे के सामने, आपके पास अगर शीशा हो तो शीशे के सामने आई टू आई कॉन्टैक्ट मिला के बात करिए। इसके बाद लोगों के सामने, अपने दोस्तों के सामने, फैमिली मेम्बर्स के सामने जब बात करोगे तो आई टू आई कॉन्टैक्ट मिलाइए और इसके बाद बात करिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने स्टैमरिंग को कम करना चाहते हो तो आप इन्हीं टिप्स को फॉलो करिए और आने वाले टाइम पे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा और अच्छे अच्छे टिप्स लेकर आता रहूँगा। अगर मेरे चैनल पर कोई भी नवा आया है तो उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहिए। अगर आप सबको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।